हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्स स्टैंड इंग्लिश लेसन नंबर थर्टी थ्री दट इज रंगोली स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर सो लेट्स बिगिन सो क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है कम प्राइजेज यानी मेड अप ऑफ किसी बना हुआ ठीक है अडॉन ए डी ओ आर एन मीन्स मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बहुत ही अडॉन का मतलब बहुत ही सुंदर या अट्रैक्टिव कस्टमरी मीन अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स और यूजल प्रैक्टिस ऑर्नामेंट्स समथिंग टू मेक अ परसन और प्लेस लुक मोर अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है ठीक है जो टफ वर्ड्स की मीनिंग आपको पूछा जाता है मोटिव मींस अ डेकोरेटिव डिजाइन स्पेशली अ रिपीटेड वन मेकिंग तरह कोर्स ग्रेन यानी कोर्स और रफ इन टेक्स्चर टेक्स्चर में कैसा थोड़ा रफली होना हॉस्पिटैलिटी मीन्स फ्रेंडली एंड जनरस बिहेवियर टूअर्ड्स गेस्ट गेस्ट से कैसा जनरस बिहेवियर इनोवेटिव मीन्स इंट्रोड्यूसिंग और यूजिंग न्यू आइडियाज वेज ऑफ डूइंग समथिंग एक्सेट्रा ठीक है यानी कि आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना और मतलब कि किसी काम के करने के वे में ठीक है सो so, अभी हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊंगी और आपको थोड़ा जूम इन करके बताती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट डज रंगावली मीन रंगावली का मतलब क्या होता है द वर्ड रंगावली कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स रंग मीन्स कलर कलर एंड आवली का मतलब होता है रो और लाइन ठीक है बाद में कैसा हो गया रंगोली रंगावली को लोग रंगोली बोलने लगे वेयर इज़ रंगोली यूजअली ड्रॉन यूजअली कहाँ पे लोग बनाते हैं रंगोली सो रंगोली इज़ यूजअली ड्रॉन ऑन द वॉल्स और फ्लोर ऑफ द हाउस घर के फ्लोर पे भी बनाते हैं और दीवार पे भी बनाते हैं आपने देखा होगा अलग अलग डिज़ाइन में दीवारों पर रंगोली बनाते हैं कलर से इन मेनी हाउस होल्ड्स रंगोली डिज़ाइंस आर ड्रॉन इन द कोट आंगन में इन फ्रंट ऑफ द डोर स्टेप एवरी डे तो कई कई जगह पे तो आप देखोगे आंगन में बड़ा सा बनाते हैं और कई कई जगह पे कैसे अपने घर के बाहर ही बनाते हैं यानी दरवाजे पे ही वॉट आर द कॉमन रंगोली डिजाइंस और मोटिवस कॉमन डिजाइन बोला गया है द कॉमन रंगोली डिज़ाइंस एंड मोटिवस आर बेस्ड ऑन नेचर सच एज मैंगो क्रीपर्स लोटस एंड अदर फ्लावर्स स्वंस पिकॉक्स फिश एंड अदर एनिमल्स अलग अलग एनिमल्स फ्लावर्स इन सब का रंगोली बनाते हैं रंगोली डिज़ाइंस ऑल्सो इंक्लूड जोमेट्रिकल पैटर्नस एंड शेप नाव डेज अदर फैंसी डिज़ाइंस एंड फ्री हैंड ड्राॅइंग्स आर ऑल्सो यूज टू मेक ब्यूटीफुल रंगोलीज़ तो अच्छे अच्छे रंगोली के डिज़ाइन आपको भी पता होगा आप सर्च करोगे गूगल पे यूट्यूब पे तो आपको बहुत अलग अलग डिज़ाइन की रंगोली मिल जाएगी वट इज़ यूज टू मेक रंगोली डिज़ाइंस क्या यूजेज हैं रंगोली डिज़ाइन के सो रंगोली डिज़ाइंस आर मेड यूजिंग कोर्ट्स ग्रेन पाउडर्स लाइक सैंड मार्बल डस्ट सॉल्ट डस्ट और राइस ग्रेन पाउडर सो इन चीज़ों का मिला के रंगोली बनाते हैं गेट्स द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनका मीनिंग बताना आपको प्लीजिंग यानी समथिंग दैट गिवस प्लेजर और सैटिस्फैक्शन जो बहुत ही अच्छा लगे आपको सेटिसफैक्शन दे फाइनली means मेड और कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स फाइनली का मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनाया गया चीज़ Magnificent means एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड impressive. बहुत ही कुछ अट्रैक्ट अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लगना बहुत ही सुंदर देखना कोर्स grain यानी कोर्स और रफ इन texture कैसा उसका टेक्सचर थोड़ा रफली होना From द पैसेज find द antonyms ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अगली कोर्सली ऑर्डिनरी डल तो यहाँ पे देखो अगली का क्या है यहाँ पे ब्यूटीफुल कोर्सली का क्या है फाइनली थर्ड देखो ऑर्डिनरी का क्या है स्पेशल डल का क्या है ब्राइट तो आपको पता है अगली का मतलब होता है बुरा होना मतलब बदसूरत ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर कोर्सली मतलब कैसा हार्ड टेक्सचर होना उसका रफली टेक्सचर होना फाइनली का मतलब एकदम स्मूथ होना ठीक है एकदम छोटा होना ऑर्डनी का मतलब एकदम सिंपल स्पेशल का मतलब आपको पता ही है डल एकदम कैसे डीम होना ठीक है एकदम डल होना और ब्राइट जस्ट उसका अपोजिट एकदम ब्राइट थोड़ा भड़कीला दूसरा देखते हैं पैराग्राफ और इसे पैराग्राफ दिया जाएगा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे रंगोली ऑक्यूपाइज अ स्पेशल डैश डैश एट दिस ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म देखो ये जो आपका ये पैराग्राफ है एट्टी वन एंड एट्टी टू में ये है यहाँ से लेके यहाँ तक है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट डिफरेंट नेम्स इन इज रंगोली नोन बाई डिफरेंट रीजन इंडिया में अलग अलग रीजन में रंगोली को अलग अलग नाम से जानने जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हम क्या बोलते हैं चौकपूरना ठीक है कि चौक पूर् ऐसा राजस्थान में क्या बोलते हैं मदाना आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं मुग्गू गुजरात कर्नाटका और महाराष्ट्र में इसे क्या बोला जाता है रंगोली बंगाल में अल्पना केरला और तमिलनाडु में क्या बोला जाता है इसे कोलम, कोडम, ठीक है हाउ इज रंगोली आर्ट डिफरेंट टूडे आज अलग कैसे है जो रंगोली आर्ट सो so, प्रीवियसली पुराने टाइम में क्या होता था पहले रंगोली वॉज मेड मेनली बाय व्यूमेन पहले सिर्फ औरतें ही बनाती थी उसे अपने घर में घर के बाहर टुडे बोथ मैन एंड वुमेन लर्न एंड प्रैक्टिस दिस आर्ट आज सभी लोगों से प्रैक्टिस करते हैं अगर हम सिर्फ उसकी बात ना करें अगर हम बात करें मेहंदी की कुकिंग की तो आप देखते होंगे जो शेफ होते हैं वो ज़्यादातर भी आप देखोगे कि वो मेल होते हैं आप देखोगे होटल में भी तो ज़्यादातर वहाँ पर आपको मेल देखने को मिलेंगे वो खाना बनाते हैं मेहंदी का डिज़ाइन भी आप देखोगे बहुत सारे मेल भी लगाते हैं आपको दिख जाएगा ऐसे रोड पर लगाते हुए कई सारे आदमी लोग तो टेलर भी आप देखते होंगे कि कितने सारे दोनों रहते हैं तो अभी ऐसा कुछ काम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ पहले वुमेन किया करती थी अब दोनों ही करते हैं ठीक है अगर हम देखें ब्यूटी पार्लर वगैरह वो भी सिर्फ लड़कियां करती थी अभी अभी आप देखोगे तो मेल्स भी करते हैं जितने भी मेल होते हैं वो भी करते हैं ओके बहुत सारे लोग करते हैं तो इस प्रैक्टिस को सब लोग Uh, मतलब इस आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं एडिंग न्यू आइडियाज़ टू द ट्रेडिशनल डिजाइंस एंड मोटिवस सम पीपल टूडे इवन यूज़ लीव्स एंड फ्लावर्स टू मेक रंगोली तो रियल का भी जो फ्लावर्स रहता है लीव्स रहता है वो भी यूज़ करते हैं वो गे इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेम क्वेश्चन है ऊपर में जैसे था ब्यूटिफाई मीन्स टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल किसी चीज़ को बहुत ही सुंदर बनाना फ्रेग्रेंट यानी हैविंग अ मेलेजेंट और स्मेल स्वीट स्मेल मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल होना कहीं पर किसी भी चीज़ में फ्रेगरेंट सुगंध फ्रेगरेंट का मतलब सुगंध राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो तो यहाँ पे देखो जैसे डेकोरेशन दिया गया है तो अब यहाँ पे स्पेलिंग क्या रॉन्ग है इसका ए की जगह पे क्या आएगा ई आएगा डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे क्या मिसिंग है यहाँ पे देखो डबल एफ के बाद यहाँ पे ई e नहीं है लेकिन यहाँ पे देखो राइट किया तो डिफरेंस ई e आया इनोवेशन तो ये अब देखो इनोवेशन का स्पेलिंग ही पूरा क्या कर दिया यहाँ पे एकदम से अलग दिख रहा है ना क्यों क्योंकि यहाँ पे टी के बाद आई होना चाहिए यहाँ पे देखो टी के बाद आई है अब यहाँ पे देखो फ्रेगरेंस की स्पेलिंग कितनी ऑट सी लग रही है कैसा होता है फ्रेगरेंस की स्पेलिंग क्या रॉन्ग है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर ई की जगह पर आपको ए करना है बाकी सब कुछ सिमिलर है सब कुछ वही है सिमिलर क्या सब कुछ वही मीनिंग है वही स्पेलिंग है उसका बस ई की जगह पे आपको क्या लगाना है ए फ्रैगरेंस फ्रैगरेंस ओके ओपन एंड क्वेश्चन है डू यू लाइक रंगोलीज डू यू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन और गो टू सी एनी रंगोलीज़ इन योर नेबरहुड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट येस आई लाइक रंगोली माई नेबर मेक अ स्मॉल रंगोली ऑफ राइस पाउडर एवरी मॉर्निंग आउटसाइड हर हाउस तो यहाँ पे बताया गया आप अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे बता सकते हो दो आई डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी

फेल एवरी ईयर थोड़ा सा ब्लर है बट आई होप कि आपको दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए ड्यूरिंग इसकी भी स्पेलिंग डी यू आर आई एन जी स्पेक्टिकुलर की स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये है इसकी स्पेलिंग इसकी और ये ड्यूरिंग आपको पता चल रहा है एवरी पता चल रहा है थोड़ा सा ब्लर है बट आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और कोई और डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो कोई और वीडियो चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना दूँगी चाहे एक्सप्लेनेशन का हो चाहे क्वेश्चन आंसर का हो